CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। राम बुजारत सिंह इंटर कॉलेज गैरवाह सुईथा कला जौनपुर में कॉलेज के सभागार कक्ष का शिलान्यास करने मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार सिंह ने किया। श्री सिंह ने कहा कि कॉलेज के संस्थापक राम बुजारत सिंह के संकल्पों और शिक्षा के प्रति अलग जगाने का परिणाम है। किसी गांव से प्रतिभा वर्मा ने देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा पास करके पूरे भारत में परचम लहराया था। अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, घर पर ट्यूशन व्यवस्था से बच्चों में आता है अहंकार का भाव। बीजेपी की जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न, प्रबंधक अखंड प्रताप सिंह ने जताया सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश वर्मा भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। राम बुजारत सिंह इंटर कॉलेज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 60 के दशक में जब यह विद्यालय स्थापित हुआ था तो संसाधन बहुत सीमित थे और उस दौर में इस तरह के संस्थाओं की स्थापना करना बड़ा दुष्कर कार्य था। आज जब संस्था इस स्वरूप में है और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ, तो एक संकल्प के साथ बच्चों को, अभिभावकों को और इस विद्यालय के कैचमेंट एरिया में आने वाले सभी जो जागरूक नागरिकगण हैं उनके लिए कि शिक्षा के प्रति, संस्कार के प्रति, समाज के प्रति सजग रहें, यही इस तरह के कार्यक्रमों की उपाध्यता है। और निश्चित रूप से इतनी फर्टाइल लैंड रही है प्रतिभा के मामले में, यहाँ की बच्ची ने सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, तो यहाँ आकर के खुद को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं और एक मैसेज भी अभिभावकों में जा रहा है। सर, गरीबों के बारे में आपने कुछ सोचा है? शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जैसे आज जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में क्या रुझान है अभिभावकों का, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? सब कदम से जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण का दौर है, सूचना क्रांति का दौर है, उससे तालमेल बिठा करके शिक्षा में नए नए नवाचार, शिक्षा में तकनीक का प्रयोग करके सब आगे बढ़ रहे हैं और अभिभावकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जी, शासन का जो कदम है शिक्षा के क्षेत्र में, जो स्तर का सुधार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत सुधार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने में हजारों अध्यापक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित होकर के कार्यभार ग्रहण किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में राजकीय इंटर कॉलेज के 112 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लेक्चरर और एंटीग्रेट जो DIC में होंगे, तो पहले किसी भी दौर में इतना ज़बरदस्त संसाधनों का, मानव संसाधन का विशेष रूप से विकास स्कूलों के परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ। जी, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए CCTV कैमरे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने स्तर से? इससे तो एक नई क्रांति आई है। जो शुचिता और गरिमा होती है परीक्षा की, वो पूरी तरह से बरकरार रही है। एक समाज में जो एक कोड़ की तरह था नकल का व्यवसाय, पूरी तरह से चौपट हो गया है। अब एक संस्कारवान बच्चे इन विद्यालयों से निकलेंगे और राष्ट्र निर्माण। क्या सभी विद्यालयों में CCTV एक्टिव हैं, जैसे जो सरकारी स्कूल हैं? परीक्षा के समय एक्टिव हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ में, लखनऊ का जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है, वेबकास्टिंग के जरिए हम प्रदेश के किसी भी स्कूल का एक एक बच्चे को वहां से देखते हैं। जी जी, परिषदीय विद्यालयों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। अब शिक्षक, स्कूल, फर्नीचर, टीचर सब तो दे दिया। रिपोर्ट अमित कुमार सिंह, पूर्वांचल ब्यूरो हेड CEN न्यूज़।